वैसे तो मध्य प्रदेश पूरे विश्व भर में एक बड़ा और बेहतर टूरिस्ट प्लेस माना जाता है। यह भगवान महाकाल की नगरी भी कही जाती है और इसके साथ ही यहाँ भगवान शिव का एक ऐसा ही रहस्यमय मंदिर है जहाँ पर होने वाले चमत्कार को देखने के लिए विशेष रूप से लोग आते हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित एक शिव मंदिर के बारे में एक मान्यता है कि जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन साइंस भी इस बात से अचंभित है। इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग को जिंदा भी कहा जाता है। यूं तो लोग शिवलिंग की पूजा आस्था के साथ करते हैं, इसे भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस मंदिर का शिवलिंग काफी अनोखा है। जी हाँ, खजुराहो के मतंगेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है मंदिर के बारे में कि इस मंदिर का निर्माण एक चमत्कारिक मणि रत्न के रूप में ऊपर कराया गया है। मान्यता के अनुसार यह मणि स्वयं भगवान शिव ने सम्राट युधिष्ठिर को प्रदान की थी, जो हर मनोकामना को पूरी करती थी। बाद में संन्यास धारण करते समय युधिष्ठिर ने इसे मतंग ऋषि को दान में दे दिया था। मतंग ऋषि के पास से यह मणि राजा हर्षवर्धन के पास चली गई और जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। कहते हैं कि आज भी मणि विशाल शिवलिंग के नीचे ही है और वहीं इस शिवलिंग की सबसे ज्यादा चर्चा इसके बढ़ते आकार के कारण होती है। जी हाँ, हर साल इसकी लंबाई मापी जाती है और हर साल ही इसे मापने वाले हैरान रह जाते हैं। पुजारी जी के मुताबिक हर साल इसका आकार एक तिल के बराबर बढ़ जाता है और कहा यह जाता है कि ये शिवलिंग जितना ऊपर नजर आता है उतना ही यह जमीन के नीचे भी दबा है। अब इस शिवलिंग की आस्था इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हर साल विदेशों से भी कई शिव भक्त इसके दर्शन के लिए आते हैं। खासकर महाशिवरात्रि और सावन के महीने में तो यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ नजर आती है और महाकाल के बाद मध्य प्रदेश में विश्व पर्यटन नगरी कही जाने वाली खजुराहो, जो कि बुंदेलखंड के छतरपुर जिला के अंतर्गत है, बेहद खास जगह है। अगर आप भी चाहते हैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन के साथ ढेर सारा आशीर्वाद, तो देर न करें, सीधा मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर पहुंचें और दर्शन लाभ लें।